अगर आप लोग की जो नीश है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है और आप लोग को ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हम किस तरह क्लाइंट से ऑर्डर्स दें, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा विद लाइव एग्जाम्पल, ये सेम सोल्यूशन मेरे साथ भी हुई है और मैंने किस तरह उसको सॉर्ट आउट किया है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग की नीश, कोई सी भी नीश बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है और उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप उस नीश पे आप किस तरह ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैं आप सबसे पहले मैं अपने लाइव एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा पता है कि मैं जो सर्विसेज देता हूँ रिगार्डिंग फेसबुक और टिकटॉक ऐड्स देता हूँ, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग शुरू से मैं देता हुआ आ रहा हूँ, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, स्टोर डिज़ाइन वगैरह। बट ये है कि अभी मैं जो मेरे मेन स्किल्स है, जो मेरी कोर स्किल्स है, वो है फेसबुक और टिकटॉक ऐड्स। अच्छा, जो शुरुआत थी वो मैंने फेसबुक ऐड से की थी और इट्स अबाउट दो साल पहले। उस वक्त बहुत सारे कॉम्पिटिशन थी, मतलब अगर आप सर्च करें फेसबुक एड्स फाइवर पर तो आपको 20,000 से ज़्यादा सेलर्स देखेंगे, जिसमें टॉप रेटेड भी हैं, लेवल टू भी है, लेवल वन सेलर भी है और ज़्यादातर न्यू सेलर्स भी हैं। तो उसमें से मैं एक था। अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगी, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि हम जैसे जो न्यूबीज़ हैं वो किस तरह फाइबर पर जगह बनाए। तो मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला जिसके बाद मेरे पास फेसबुक ऐड्स के क्लाइंट्स भी आने लगे, वो भी अच्छे क्लाइंट्स, और उनके लिए मैंने एड्स भी चलाए। तो उसके लिए मैंने क्या सिचुएशन की थी कि उसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सर्विस देना शुरू की, ठीक है। मैंने जाहिर सी बात उसको मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की थी और मुझे एक गिग मनी, जिसको हम कहते हैं फेसबुक पिक्सल, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अगर आपको फेसबुक ऐड्स चलाने हैं तो सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके बाद जाके ही आप फेसबुक ऐड्स रन कर सकते हैं, क्योंकि जो पिक्सल है वो हेल्प आउट करती है ट्रैकिंग पे जो कस्टमर बिहेवियर है। तो मैंने ये सर्विस देना शुरू की। अच्छा, जो फेसबुक पिक्सल थी उस वक्त जब जो सर्विसेज दे रहे थे लोग 100 के अंदर कॉम्पिटिशन थे, 100 सेलर्स थे या इससे भी कम जो फेसबुक पिक्सल की सर्विसेज दे रहे थे। तो मैंने क्या किया कि फेसबुक पिक्सल की सर्विसेज देना शुरू की, जो कि बहुत सी छोटी सर्विस है। अगर आप किसी को कहेंगे मैं फेसबुक पिक्सल की सर्विस दे रहा हूँ तो लोग कहेंगे ये क्या, ये कोई सर्विस ही नहीं है, तो बहुत ही छोटी चीज़ है, मतलब हर कोई कर सकता है, जबकि इस पर बहुत सारे लोग लैग कर रहे थे। तो जब मैंने फेसबुक पिक्सल की गिग मैंने क्रिएट की तो बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि मैं कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते थे, मैं चाहता था इसके जो फेसबुक एड्स हैं वो मैं खुद मैनेज करूँ। जाहिर सी बात है मैं हर क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज देता था, बट उन क्लाइंट्स को मैं ज़्यादा होता ना प्रीमियम सपोर्ट देता था। तो फिर क्या होता था, वो मुझसे पूछते थे क्या तुम फेसबुक एड्स से सर्विसेज देते हो, तो मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं देता मैं। तो इसके थ्रू मैं क्या करता था, क्लाइंट्स ले लेता था। तो मतलब एक छोटी सी सर्विस से मैंने फेसबुक एड्स की सर्विस लेना शुरू की, ठीक है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। आप क्या करें, कोई भी आपकी स्किल्स हो, ऐसी बात है अगर कोई ऐड्स चलाना हो तो उसके अंदर बहुत सारे लूप होल होते हैं, कि कोई वीकनेस होती है कि जो कस्टमर्स, जो ऑडियंस है या जो भी आपकी क्लाइंट्स है वो लैग करते हैं। अब जैसे फेसबुक पिक्सल है उसमें कन्वर्जन API भी आता है, उसमें कोडिंग भी आती है। तो मैं जैसे बात है मैंने यूट्यूब से लर्निंग वगैरह की थी किस तरह API इंस्टॉल करते हैं, किस तरह गूगल टैग मैनेजर यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के क्वालिटी जो कॉन्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैंने $100-$150 चार्ज किए हैं सिर्फ पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए। ऐसा था कि अगर कोई ऑर्डर आता था तो सिर्फ एक मिनट का काम होता था और उसके मैं $100 चार्ज करता था। बट क्या होता था कि मैं उसको 24 घंटे बाद सबमिट करता था, क्योंकि उसको लगे ना कि ये बहुत आसान काम है, क्योंकि अगर आप जल्दी सबमिट करते हैं, ये भी एक ट्रिक है कि आप जल्दी सबमिट करते हैं तो क्लाइंट ये समझता है कि यार मैंने उसको $100 मतलब मैंने 5 मिनट की पे किए, तो वो फिर बहस करने लगता है, कहता है भाई ऑर्डर कैंसिल करो, ये मेरे साथ हो चुका है। तो मेक श्योर करना अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो लेट सबमिट करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक दो दिन बाद सबमिट करें, उनको कहेंगे भाई अब भले वो 2 मिनट का काम हो, क्योंकि क्लाइंट आप जो आप कर रहे हैं काम 2 मिनट में, वो जाहिर सी बात एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप वो 24 घंटे में करते, आपका एक्सपीरियंस है तभी आप चार्ज करें।
बट खैर, तो इस चीज़ के, इस सर्विस के मैंने इतने चार्जेस लिए, 150-200 डॉलर भी लिए हैं 5-5 मिनट के काम। तो क्या होता था इसके बाद, फिर मैं क्या अपसेलिंग करता था कि मैं 50 पिक्सल की भी सर्विस देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपसेल पे भी बनाऊंगा कि आप स्किल को अपसेल किस तरह कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह कोई भी स्किल्स हो, जरूरी नहीं कि एड्स के, एड्स से रिलेटेड हो, कोई सी भी स्किल्स हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, अमेजोन से रिलेटेड हो, ई बी से रिलेटेड हो। अगर इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके रिलेटेड स्किल्स हैं उसको छोटे से कोई छोटी वीकनेस निकाल है, मतलब वीकनेस निकाल है या कोई लूप होल हो के जहाँ पे आपको लगे कि इसके अगर मैं सर्विस दूंगा तो मैं आराम से वो क्लाइंट ग्रैब कर सकूंगा। जिस तरह मैंने आपको फेसबुक एड्स में फेसबुक पिक्सल की बात की, इसको मैं फिक्स करूंगा, मतलब इंस्टॉल करूंगा, कन्वर्जन एपीआई इंस्टॉल करूंगा, तो उसके जरिए क्या होता था मेरे पास क्लाइंट आ जाता था और जो मुझे लगता था कि यार ये क्लाइंट अच्छा है तो उसके साथ मैं डील कर लेता था, उसके फेसबुक एड जो है वो मैं खुद ही रन करता था। तो इस तरह मैंने एड्स रन करना भी सीखे। तो यह है कि आप भी जो भी आपके रिलेटेड स्किल्स हैं उससे, मतलब कोई वीकनेस हो, कोई लूप होल हो कि आप समझते हैं कि क्लाइंट ये इस पर बहुत ज़्यादा लैग करता है, उसकी सर्विस देने शुरू करें। इंस्टेड ऑफ अगर आप पीपीसी कर रहे हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि डायरेक्टली आप वो सर्विस देने शुरू करें, आप वैसे भी आपकी झुकी गए वो प्रमोट नहीं होगी, वो रैंक नहीं होगी, तो फायदा नहीं होगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ऑर्डर नहीं आ रहे, सैचुरेटेड हो गई जो नीश है। तो आप इस तरह करके आप मतलब एक ऑर्डर्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे, जो छोटी सर्विसेज वगैरह से, ठीक है। तो छोटी सर्विसेज देने शुरू करें और जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो हर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से सैचुरेटेड नीश के लिए आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।